An Academy. Let's crack it. Hello everyone, my name is Nikita and welcome to An Academy. UPSC Mains 2024 का एग्जाम हो रहा है, आप सबको पता है. आई एम अगेन एट द UPSC भवन और अभी एथिक्स का पेपर चल रहा है बच्चों का. बच्चे बाहर आने ही वाले हैं. बच्चों के अकॉर्डिंग GS1, GS2, GS3 के पेपर बहुत आसान थे, लेकिन अब एथिक्स का कैसा होगा, GS4 का कैसा होगा, लेट्स फाइंड आउट कि वो ज़्यादा आसान था या इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट. सो लेट्स गो. सो बैक टू यू अगेन. कैसा रहा पेपर? पेपर काफ़ी लेंदी था. अच्छा. हाँ, जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी है, वो भी तीन तीन चार चार स्टेटमेंट के क्वेश्चंस थे. बहुत लेंदी पेपर था. केस स्टडीज़ भी एक्चुअली काफ़ी टफ थी इस बार. लास्ट ईयर का पेपर वॉज वेरी डायरेक्ट, वेरी सिंपल. इस बार बहुत कॉन्सेप्चुअल था. क्वेश्चन में पहले वो एक फिलोसॉफी दे रहे थे, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो हमें पहले वो स्टेटमेंट भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा था. देन देवर ऑल्सो आस्किंग के डिमांड का जो क्वेश्चन है वो एड्रेस करना पड़ा था सिर्फ दो पेज में. अच्छा. तो समझ नहीं आ रहा था, इतना लेंदी क्वेश्चन है. मोर ओवर जो केस स्टडीज थी वो एक एक पेज की, इतनी बड़ी केस स्टडीज, उसमें उन्होंने चार चार क्वेश्चंस पूछे हुए थे जो समझ नहीं आ रहे थे टाइम में होगा कैसे. मैंने तो अंदर जितनों के भी देखे, सबके एक एक दो दो क्वेश्चन तो सबके ही छूटे. अच्छा. मेरे खुद के डेढ़ क्वेश्चन मेरा छूट गया होगा. तो मतलब अभी जितने पेपर हुए थे उस हिसाब से सारी कसर यूपीएससी ने इस एग्जाम में डाला. वाला एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो सिंपल. इवन जो जो कोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो फेमस थिंकर्स या फिलोसोफर्स के जो कोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस, वो भी बहुत टफ थे अंडरस्टैंड. अच्छा. करने में. हाँ, सबका इंटरप्रिटेशन सबका ही होगा, अलग अलग ही होगा उसमें. तो क्या मैसेज मिलता है इस एग्जाम से आज? बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है. लास्ट ईयर जैसे एथिक्स का पेपर था वो तो बहुत ज़्यादा ईजी था. हाँ. वो काफ़ी डायरेक्ट था, सिंपल था. ये वाला तो पूरा ही डिफरेंट कर दिया इन्होंने. एक झटका तो यूपीएससी देते ही देता ही है. हाँ, कुछ भी मतलब केस स्टडीज भी आज तक ऐसी केस स्टडीज मैंने कभी नहीं सॉल्व करी. अच्छा. कुछ ज़्यादा ही टफ थी. हाँ, ज़्यादा ही टफ हो गया जी. तो कुछ ऐसे कोई ऐसी केस स्टडी के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल ही आपने बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी और जो बिल्कुल आपने जिस पे ध्यान ही नहीं दिया कभी. इस बार केस स्टडीज में जो डिफरेंट चीज़ ऐसी हुई थी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई केस स्टडीज दे रहे हैं तो इसमें ऐसा था कि वो उन्होंने प्रॉब्लम दिया, उन्होंने ही सॉल्यूशन भी दे दिया. अब उसके बाद वो पूछ रहे कि और बताओ और क्या कर सकते इस चीज़ में. अच्छा. कि द थिंग वॉज के हम लिख तो लेंगे पर उसको 20 मार्क क्वेश्चन में चार पेजेस भरेंगे, वो समझ नहीं आ रहा था कैसे करेंगे उस चीज़ में. तो प्रॉब्लम मेन वहाँ आ रही थी कि सोचना बहुत पड़ रहा था कि एक्चुअली में अब और लिखे क्या. उन्होंने फॉर एग्जाम्पल एक जैसे केस स्टडी थी कि एक सीनियर IPS ऑफिसर है, उनकी किधर पोस्टिंग हुई है. एक टेररिस्ट ग्रुप है, वो यूथ को एम्प्लॉय कर रहे हैं गलत एक्टिविटीज़ के लिए. तो उन्होंने पूरी केस स्टडीज़ में ही वो लोग कह रहे हैं कि यूथ के पास अनएम्प्लॉयमेंट है इसलिए वो लोग जा रहे हैं, टेररिस्ट इसलिए ये सब कर रहे हैं. अब वो पुलिस ऑफिसर ने उनको अरेस्ट भी कर लिया, किडनैप भी कर लिया. वहाँ के लोकल विलेजर्स जो है वो प्रोटेस्ट करने लग गए. पुलिस ऑफिसर ने एक्शन ले लिया, सब कर लिया. अब ये सारा केस स्टडी में बता दिया और फिर हमसे पूछ रहे आप बताओ और क्या करना चाहिए. तो आई वॉज लाइक ये तो मतलब जो मेन बेसिक सबसे सिंपल पॉइंट्स होते हैं वो तो आप लोग खुद ही बता रहे हो. एंड देन और क्रिएटिव सोचना पड़ रहा था कि और क्या क्या कर सकते हैं. ज्यादा क्रिएटिविटी, एक स्टेप थोड़ा सा ज्यादा लेवल अप हो गया केस स्टडीज का ऐसे. तो चलो, तो आने वाले अगले साल जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या मैसेज दोगे आप आज के एग्जाम्स के लिए? ज्यादा क्रिएटिव अपनी प्रिपरेशन रखिए, PYQs देखिए कि कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, फिर से उस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है. मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा इस चीज में. चलो बहुत बढ़िया, विश यू ऑल द बेस्ट यार. अच्छा ही होगा जो भी होगा. थैंक यू. पता और टफ नहीं था बट लेंदी था. लेंदी भी था. सेक्शन ए थोड़ा एनालिटिकल था. हां, तो यू हैव टू प्रैक्टिस, अदरवाइज वहां पे टाइम लगेगा ही लगेगा. जैसे कोई क्वेश्चन आपको लगे कि कुछ ऐसे बिल्कुल ही जिनके पॉइंट्स आप नहीं बता पा रहे थे या फिर जिनके बारे में आपको ट्राई टू स्किप इट एंड डू द बच जो आपको आ रहा है, ट्राई टू कंप्लीट दैट फर्स्ट. अच्छा. With the space of time, either you will get the points or better to skip it. आपको कौन से, which question do you find interesting? I find actually section A because okay. In section B it is more or less the same conventional based answers. Do this, do this, do this. But section A needs some analysis. And which section was more difficult? As such, it depends upon the student. And its aptitude. I like philosophy, so I like to handle section A. Okay. And in section B, the answers are traditional,
and they need not any much in, but they need analysis, and the case studies were little bit shorter this time. So the paper was on a whole manageable. Okay, but how did you manage the time? Because as you said, time paper you have to manage with the four section A. Every question you need, have 7 minutes or 8 minutes. Okay. Try to finish it in that time. If you are not able to get the idea of the matter, then skip it. Okay. And try to move on that question that you know very well, and you have command to. And for case study, you have 15 minutes. Do not spend writing stakeholders, ethical. These are taught in coachings, but these are not as per explicitly asked in the question. So if you keep on writing on these non redundant stuff in all the question, then you will lose on time. So try to stick to the demand of the question. Exactly what has been asked, just answer that and move on. Okay. So did you able to put all your creativity in every questions, or creativity questions? You will be able to put only when you have practiced enough. Otherwise, you have to answer on an average to all the questions. That is the topmost priority. So as compared to previous years, so how much difficult the paper was or the lengthy was? Paper was not much difficult. It was same or less the same. Okay. As previous years. In fact, case studies were shorter, so it took less time. Chalo, that's amazing. Thank you so much and wish you all the best. Kya naam hai aapka? Mera naam Arun Malviya hai. Arun ji, kaisa hua aaj ka paper? आज का पेपर अच्छा था. केस स्टडी स्टार्टिंग की जो थी वो थोड़ी लेंदी थी. आगे फिर छोटी केस स्टडी थी. पहले मैं केस स्टडी करता हूँ, तो मैंने पहले केस स्टडी की 90 मिनट में. उसके बाद फिर मैं थ्योरी वाले पोर्शन पे चला गया. थ्योरी वाला पोर्शन थोड़ा सा अलग था इस बार. जैसे किस तरीके से अलग? इस बार इसलिए अलग था क्योंकि इस बार एथिक्स और जो GS 1, 2, 3 की जो चीज़ें हैं वो एथिक्स के पेपर में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली शामिल हो रही थी. तो एथिक्स का पेपर कम्प्लीटली एथिकली के साथ साथ GS की जो चीज़ें हैं, जैसे GS 2 है, GS 3 है, इकोनॉमी का सेगमेंट है, पॉलिटिकल सेगमेंट है, वो भी उसमें ऐड हो रहा था. Okay. और क्वेश्चंस बड़े थे इस बार. हर क्वेश्चन बड़ा था. हालांकि जो कोटेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है, ABC जो होते हैं, वो सिंपल थे. उसमें पटेल का एक कोटेशन पूछा था, विवेकानंद जी का एक कोटेशन पूछा था, तो वो सिंपल था. बाकी के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से घुमावदार थे, ऐसे मतलब कि जो नोट्स में नहीं मिलते. हालांकि वो ऐसा ही ट्रेंड रहता है, बट इस बार थोड़ा और बदला हुआ है. तो जैसे आपने कहा कि पेपर लेंदी था, और तो आपने कैसे पूरा मैनेज कर लिया? आपका कुछ छूटा तो नहीं? ये छूटा तो नहीं है, अब छोड़ना तो नहीं होता है, पर लास्ट में जैसे एक बच्चे ने मेरे को बताया कि उनका छूट गया पेपर. हाँ, मतलब वो छूट जाता है, बट मैं क्या करता हूँ, 90 मिनट बांट के रखा हूँ दोनों का. ठीक है, तो 90 मिनट में कैसे स्टडी करना होता है, फिर 90 मिनट में थ्योरी करना होता है. अब वो कैसे करना है, वो कैसे भी करना है, तो करना है. ऐसी कोई केस स्टडी जो इस बार आई, जो पहले कभी आपको इतना डिटेल में आपने जिसके बारे में पढ़ा नहीं है, ऐसे कुछ बताएंगे आप? इस बार केस स्टडी के मामले में ये अच्छी चीज़ थी कि केस स्टडी बहुत घुमावदार नहीं थी. जो टेस्ट सीरीज में जनरली मिल जाती है, या UPSC ने खुद पिछले वर्षों में जो पूछी है, जैसे जो मेडिकल एथिक्स से रिलेटेड केस स्टडी इस बार आई थी, सेम केस स्टडी पिछले प्रीवियस ईयर में भी UPSC ने पूछी है. अच्छा. तो सेम पैटर्न पे थी कि क्या करोगे उस समय. तो इस बार अगर आप बहुत मेजर बदलाव अगर इस पेपर में एथिक्स में बताओ. यार, मेजर बदलाव ये मेरे को लगेगा कि मैं इससे पहले एथिक्स का जो PYQ देखता हूँ, तो उसमें जो थ्योरी वाला पोर्शन होता है वो छोटा होता है. अच्छा. पर इस बार ना बड़े क्वेश्चन आए. कौन असर आपको? मैं भी जा रहा हूँ मेरे में. ठीक है, थैंक यू तो बोलने दो. ओके, तो ठीक है. और एडवाइस क्या दोगे लास्ट क्वेश्चन? एडवाइस अभी तो कुछ नहीं, अभी मेरा सिलेक्शन हो पहले, उसके बाद एडवाइस. अच्छा, ये बताइए तो कैसा लग रहा है? बिल्कुल मेन से तो छुट्टी मिल गई अभी. अभी तो अभी क्या करोगे आप? अभी आराम नहीं है क्योंकि अभी ऑप्शनल भी अभी पेपर है, तो ऑप्शनल का पढ़ना है. अच्छा. और अभी थोड़ा सोएंगे क्योंकि 2-3 दिन से सोया नहीं है, तो थोड़ा आराम करेंगे. चलो ठीक है, अपनी नींद पूरी कीजिए. विश यू ऑल द बेस्ट. क्या नाम है आपका? प्राची. हाय प्राची. प्राची, कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये सेकेंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट मेन से. ओके, सो कैसा था आपका पेपर? ठीक था, बहुत लेंदी था इस बार का, और थोड़ा सा GS1 GS2 के कंपैरिजन में इस बार टफ था. लेंदी तो हाउ डिड यू मैनेज? मैनेज तो हो गया था, टाइम तो मैनेज हो गया. अच्छा. था टाइम का तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट ऐसा है कि 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो
आउट ऑफ द माइंड ही आए, जैसे अगर कुछ क्वेश्चंस बताएं आप। कुछ क्वेश्चंस अभी इतना क्लिक तो नहीं हो पा रहा है। किसके ऊपर ज्यादा फोकस था, मतलब किसके बारे में? एथिक्स में थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगे मुझे, जो बेसिक क्वेश्चंस आते थे वैसे नहीं आए। ओके, पहले मुझे थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगे हैं, बाकी जो कोर्ट्स वाले क्वेश्चन थे वो ईजी थे, वो ईजिली आ गए थे। और GS3 में जो सोचा था जैसा वैसा तो नहीं आया, मतलब जो बजट पे सोचा था कि बजट पे आएगा, इतना ज़्यादा नहीं लगा मुझे कि बजट पे आया है। और DPDP पे क्वेश्चन था, पर्सनल प्रोटेक्शन वाला डेटा बिल पे, वो तो प्रिडिक्टिव था, तो थोड़े बहुत तो क्वेश्चंस ऐसे थे, लेकिन हाँ 3-4 ऐसे क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ द माइंड। तो अगर एथिक्स की बात करें तो आपने कितने, आपने अपने जो पॉइंट्स रखने थे एग्जाम में वो आप रख पाए? हाँ हाँ रख पाए हैं, बस इतना है कि बहुत ज़्यादा लेंदी तो बहुत ज़्यादा लेंदी था, टूट गए लिखते लिखते। तो अगर जो अगले साल जो बच्चे दे रहे हैं तो उनको आप क्या आज का पेपर देख के क्या बताएंगे? और एज का प्रेडिक्टेबल नहीं है, मतलब UPSC कहेंगे तो UPSC ने एथिक्स में थोड़ा झटका दे दिया। हाँ मुझे लग रहा है, अब बाकी का नहीं पता मुझे, बाकी भी वैसे यही बोल रहे हैं। हाँ मुझे लग रहा है कि एथिक्स में इस बार थोड़ा कर दिया। तो किस पे ज़्यादा फोकस करें बच्चे फिर? कुछ नहीं, बस अपने डायमेंशंस पे फोकस करो, अपने ही थिंकर्स बनाओ, अपने ही लिखते जाओ, कुछ भी फोकस करने का जरूरत नहीं है। Okay. जो होगा देखा जाएगा। चलो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई, क्या नाम है आपका? प्रतीक। सो प्रतीक, कैसा हुआ आज का पेपर? आज का पेपर देखा जाए तो दोनों चारों पेपर में यही है कि पेपर में जो क्वेश्चन है ना उनमें क्वेश्चन विद इन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऐड कर दिए गए, कि आपको एक नहीं चार पाँच डायमेंशन सब में देने पड़ेंगे। अच्छा, और इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, कि मतलब GS3 का GS1 में आ गया है ऐसा समझ लीजिए, मतलब कि अप्रोच अब आपको ये है कि जितना ज़्यादा डाइवर्स और मल्टीडिसिप्लिनरी रख सकते हो उतना अच्छा है। दूसरे पेपर में हेक्टिक हो ही जाता है, कितनी भी आप प्रिपरेशन कर लो पहले लिखने के बाद आप दूसरे में थके ही रहो। अच्छा, तो अभी अगर एथिक्स की बात करें तो इसका पेपर लेंदी भी बता रहे हैं, और आप जैसे कह रहे हो कि ये बाद में हुआ है पेपर, तो बाद में बच्चे थकावट की वजह से ज़्यादा लेंदी लग रहा है या एक्चुअल में बहुत लेंदी? नहीं, एक्चुअल में भी बहुत ज़्यादा, जो क्वेश्चंस की खुद की लेंथ है ना, आपको क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम लग रहा है, चार पाँच लाइन के क्वेश्चन है, आप उन्हीं को पढ़ने में टाइम आपका निकल जाएगा। फिर उसमें आप कीवर्ड फाइंड करो कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की, वो फाइंड करो, तब तक में आपका टाइम चला जा रहा है। तो मतलब क्वेश्चन को ही एनालाइज करने में, हाँ हाँ, क्वेश्चन एनालाइज करना टफ पड़ रहा है, और उसकी फ्रेमिंग फिर उस हिसाब की तुरंत पॉइंट ढूंढने, क्योंकि टाइम बचता नहीं है फिर। तो अगर एथिक्स की बात करें तो फिर अभी कौन से क्वेश्चंस आपको लगे इस बार जिसके बारे में आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं था? देखा जाए तो जो सेक्शन 1 वाला जो अपना टॉपिक रहता है जिसमें 10 मार्क्स आते हैं एथिक्स में, उसमें पहले क्या रहता था, लगभग बेसिक या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थोड़े बहुत आते थे। कोर्ट्स इस बार के ईजी थे, जो एथिकल थिंकर्स वाले आपके कोर्ट्स आते हैं वो ईजी थे लगभग, कि वो मैनेजेबल थे। कई सवाल करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे, और उनमें भी डायमेंशन इतने सारे पूछ रखे थे कि एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, AI हो गया, BNS हो गया, बहुत सब कुछ था। अच्छा, तो अभी जो 2025 में बच्चे दे रहे हैं तो आज का पेपर देख के आप क्या बोलोगे उनको? यही कि जितना ज़्यादा आप ब्रॉड थिंकिंग और ब्रेन स्ट्रॉमिंग जो जैसा बताते हैं टीचर्स, वो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम नहीं बचता फिर आपके पास, आपको पढ़ा पढ़ाया कुछ याद रहेगा नहीं, डेटा आप टाइम पे लिख नहीं पाओगे। एट द एंड ऑफ द टाइम यही है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो पूरे, तो उससे आप सेटिस्फाइड तो रहोगे कि कुछ भी हुआ मैंने छोड़ा नहीं है कुछ। बिल्कुल। तो अब जैसे अगर एथिक्स की बात करें तो आपने अपने सारे पॉइंट्स, जैसे अभी आपने कहा कि आप पहले प्रिपेयर्ड रहो इतने, तो आप अपने सारे पॉइंट्स रख पाए हैं या आपका पेपर लेंदी होने के कारण कुछ पॉइंट्स रह गए रखने? कई क्वेश्चंस ही ऐसे हो जाते हैं जिनमें वो कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अच्छा। वो सिर्फ कि बस फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, आपको बस अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें आप कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन है कुछ नहीं कर पा रहे हो। और रही बात एथिक्स के पेपर में, तो वैसे ही डाइवर्स रहता है, उसमें आपको खुद के एग्जाम्पल्स या पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस लिख दो तो ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो जाती है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो थैंक यू यार।